तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र गठबंधन के बाद किसकी बनेगी सरकार? झारखंड के 81 सीटों के लिए एबीपीसी वोटर का महासर्वे यहां पर सामने आ चुका है। अब की बार झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बन चुकी है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए सीएम की शपथ ले चुके हैं। टीएमसी ने तीनों सीटों पर जीत दर्ज की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक सीट पर बीजेपी तो एक पर कांग्रेस और एक पर टीएमसी का पहले शासन था, लेकिन उत्तराखंड की पिथौरागढ़ सीट बीजेपी जीतने में सक्षम रही है। तो बीजेपी को एक सीट का नुकसान इस उपचुनाव में भी देखने को मिला है, लेकिन कांग्रेस को एक सीट का यहां पर नुकसान हुआ है। तो रघुवर दास की राह कितनी आसान है, एबीपीसी वोटर का महासर्वे यहां पर आ चुका है। झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, एबीपीसी वोटर का ये एग्जिट पोल आ चुका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि यहाँ पर झारखंड में सत्ताधारी बीजेपी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है, मतलब अपने दम पर सरकार नहीं बना रही है। लेकिन बीजेपी इस बार राज्य में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ सकती है, ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। अगर मौजूदा स्थिति आपको दिखाएं तो बीजेपी 37, कांग्रेस 6, एजीएस पार्टी 5, जेएमएम को 19 और जेवीएम के लिए 8 और अन्य के खाते में 6 सीट गई थी 2014 में। लेकिन 2019 के लिए क्या आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं, बीजेपी के हिस्से में 33% यहां पर वोट शेयर जा रहा है। वहीं जेएमएम को 18% और यहां पर कांग्रेस को मात्र 12%, एजीएस पार्टी को 4% और जेएमएम को 7% वोट और अन्य को 23% वोट यहाँ पर मिलने की उम्मीद एग्जिट पोल के आंकड़े लगाए जा रहे हैं। झारखंड के लिए अगर आपको आंकड़े दिखाएं तो किस दल को कितनी सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 28 से 38 सीटें मिल रही हैं, मतलब पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है बीजेपी को। लेकिन बीजेपी का अब की बार का नारा 65 पार का नारा लेकर चल रही है। वहीं जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है उसको क्या यहां पर बहुमत मिल रहा है या नहीं, देखिए जेएमएम को अपने दम पर 18 से 28 सीटों पर यहां पर आ सकती है, कांग्रेस को 4 से 10 सीटों पर कांग्रेस आ सकती है, एजीएस जो पार्टी है अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है तो 3 से 9 सीटें उनको मिल सकती हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्हें 5 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कुछ सीटों में इजाफा हो सकता है। जेबीएम को 3 से 9 सीट, पिछले चुनाव में 8 सीट मिली थी, लेकिन उधर के लिए 3 से 9 सीट यहाँ पर मिलने की उम्मीद यहाँ पर बताई जा रही है। ओवरऑल अगर आपको पूरा आंकड़ा देखा है तो 33 यहां पर सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, बहुमत से यहां पर बीजेपी 8 सीट पीछे है, लेकिन बीजेपी अपना दम भर रही है क्योंकि सभी नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अगर यहां पर बात करें तो सभी ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए, तो बीजेपी ने यहां पर आदिवासी समुदायों को अन्य योजनाओं का लाभ देने की बात की है। वहीं यहाँ पर जेएमएम ने भी अपना यहाँ पर वचन पत्र जारी किया, जिसमें यहाँ पर महिलाओं के लिए किचन स्टाफ के लिए 2000 रुपए महीने की और यहाँ पर 50% अगर बात करें तो महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा कई यहाँ पर योजनाओं को रखा है और यहाँ पर कांग्रेस ने भी अब वचन पत्र जारी कर दिया है। जिस पार्टी की बात करें तो 6 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, जेबीएम की बात करें तो 6 सीटें और अन्य के खाते में 6 सीटें मिल सकती हैं। ये झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एबीपीसी वोटर का सर्वे है और यहाँ पर औसतन अंक इतने अंक यहाँ पर आ सकते हैं, एग्जिट पोल का महासर्वे आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से बीजेपी की हार हुई है, 2018 से लेकर 2019 तक यानी 11 महीने के अंदर बीजेपी 71% से 40% तक सिमट गई है। ये बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि बीजेपी 71% जो भगवा रंग आपको दिख रहा है वो कहीं ना कहीं पूरे भारत के अंदर छाने वाला था, लेकिन अब बीजेपी मात्र 11 महीने के अंदर, अगर आप लोकसभा को छोड़ दिए जाए तो बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर 30% का नुकसान एकदम 11 महीने के अंदर हो जाता है। 4 बड़े राज्यों में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो ऐसे में झारखंड बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है और जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन इस बार चुनावी मैदान में है। तो आपको क्या लगता है झारखंड के अंदर किसकी बनेगी सरकार, क्या कांग्रेस, जेएमएम और जो महागठबंधन है उसकी ही सरकार बनेगी? ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से और आपके जो कमेंट होते हैं उसके अनुसार प्राप्त होती है। इसके अलावा बीजेपी ने पूरे 5 साल कार्य करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है और अब की बार का नारा 65 पार का लेकर चल रही है। तो बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी या अन्य दल को कितनी सीटें मिलेंगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। आपका नहीं शुभ बहन जय भारत।